प्रोवाइड करते हैं तो उधर से भी डेटा लीक होने का संभावना ज़्यादा रहता है. एंड दैट इज़ हाउ दीज एजेंट्स लाइक फोटोकॉपियर फोटोकॉपिंग मशीन जो रखा है तो उन दुकान से और बाकी सब जगह से उसको मिसयूज़ करने का संभावना ज़्यादा रहता है. अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सतर्क और सचेत रहना जरूरी है. एक्चुअली साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है इस चीज़ में कि आप किसी भी चीज़ को अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और कोई भी लिंक पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप उसमें सतर्क रहें, क्योंकि क्या है कि आप जैसे जैसे हम स्मार्ट हो रहे हैं, हम अपना OTP नहीं बता रहे साइबर क्रिमिनल्स को, तो वो भी एक तरीका फाइंड आउट कर रहे थे किस तरह से हम ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें. तो वो आपको जैसे दिखाएंगे कि ये पे, वो क्या करते हैं ना कि वो आपको एक ऐप दिखाएंगे जैसे कि बहुत सिमिलर होगा वो आपका कोई भी पेमेंट ऐप से गूगल पे जैसा, जीपे का कुछ वो बना देंगे स्पूफ ऐप और आप सोचेंगे कि आप गूगल पे डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन जब आप वो इंस्टॉल करेंगे तो वो फेक स्पूफ ट्रांजैक्शन सारा कुछ दिखाएगा लेकिन वो एक्चुअल आपका बैंक ट्रांजैक्शन होगा नहीं. और वो क्या करेगा, सिर्फ आपका डेटा चोरी करेगा और वो डेटा को सेल किया जाता है डार्क वेब में. जैसे आपने हाल में न्यूज़ सुना होगा कि किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया और उन्होंने रिवील किया कि वो डेटा को डार्क वेब पे बेच रहे थे. तो आपका एक एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यूज़फुल नहीं हो सकता, आपका नाम एज, लेकिन जो कंपनीज़ हैं उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल होता है और वो पैसा दे के ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं. इसलिए जब भी आप ऑनलाइन हैं तो किसी भी लिंक पे बिना सोचे समझे क्लिक ना करें और कोई भी ऐप या APK फाइल को ऐसे ही इंस्टॉल ना करें. तो अभी जब इंसान अपने जो डेटा है उसको सेफ कैसे रख सकता है? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जो भी कंपनीज है वो पैसा बनाने के लिए है. जैसे आपने सुना होगा MTNL ऐप है ना, जो कि आपको बढ़ावा देता है कि आप गैम्बलिंग काइंड ऑफ थिंग करें और साथ में चेतावनी भी देता है कि ये हानिकारक है. लेकिन आपके लिए दुनिया के लिए आप एक सब्जेक्ट है लेकिन आपका पूरा दुनिया है. तो आप इस तरह के पहले तो इस तरह के ऐप्स के चक्कर में आए ना, और अगर मान लीजिए आपको शौक है कोई गेम वेम करने का तो मैं बता दूँ 90% ऑफ एप्लीकेशन जो होता है ना गेम के फॉर्म में ही आपका डेटा चोरी करती है. तो फाइनेंशियल अगर आप काम करते हैं ट्रांजेक्शन मोबाइल बैंकिंग इत्यादि, तो उसके लिए आप सेपरेट फ़ोन रखें या तो फिर उस जिस फ़ोन में आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें फालतू के ऐप्स ना रखें. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल तक में डेटा लीक होने का खतरा कदम दर कदम पर है, लेकिन कुछ एहतियात बरतें तो आपके डेटा की सुरक्षा बनी रह सकती है. कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची. न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही. आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ.